उन जनरल लोग सामान्य श्रेणी में जो लोग आते हैं जिन पर सर हजारीबाग के जादव बाबू चौक के पास स्थित अखिल भारतीय कायस्थ महासंघ के बैनर तले इस वक्त हम हैं और हमारे बीच हैं इस गिरिवर्धन प्रसाद इस महा कायस्थ महासभा के जिला अध्यक्ष जिला अध्यक्ष गिरिनंदन प्रसाद जी। आपका नंबर गिरिवर्धन प्रसाद जी इस वक्त स्टार्टिंग न्यूज पर हैं सर। आप स्टार्टिंग न्यूज पर लाइव हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ नमस्कार, धन्यवाद। ये बताइए पहले अखिल भारतीय कायस्थ महासंघ की जो स्थापना की गई है इसकी ये कब से सुचारू रूप से? ये 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी जी, काफी और ये हम काफी पुराना जी महासभा है जी। और पहले के बारे में इतिहास है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1920 में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी। और हमारे ये इसका क्या नाम था, कैन सहाय, कैन सहाय पटना के जी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए हैं। अभी उनका सुपुत्र रविनंदन सहाय अभी यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे भारतवर्ष के कायस्थ महासभा के। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री ए के श्रीवास्तव और जिला अध्यक्ष हम हैं यहाँ के गिरिवर्धन प्रसाद। हम लोग के अपने समिति है जिला समिति, जिला समिति के देख रेख में हम लोग इसके इसके 12 लगभग प्रकोष्ठ है, जुआ प्रकोष्ठ। आज का जो कार्यक्रम है उसमें जुआ प्रकोष्ठ का बहुत बड़ा संपन्न करने में हाथ है। अच्छा, तो ये जो अनाज का वितरण किया गया कोरोना महासंकट वैश्विक संकट संकट के रूप में उभर कर आ गया, एक खुशी की बात है कि हजारीबाग अभी मुक्त हो गया बीते रात ही, तो ये एक अच्छी खबर है। अब ऑरेंज जोन से रेड जोन हम लोग जो सो ग्रीन जोन में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन फिर भी सावधानियां बरतनी है। तो अनाज के साथ साथ क्या आप लोगों को ये सोशल डिस्टेंस और मास्क के ये संदेश और सैनिटाइजर वगैरह भी साथ हैंड वॉश दिए और ये मास्क दिए जी और फिर अनाज जो है, असल बात है कि जितने गरीब तबका के लोग हैं बीपीएल के नीचे हैं उनको तो सरकार और अनाज है सरकार के लिए स्वागत करता है और सराहना करता है। हम लोग का हाँ, हम लोग का रहा कि जो ऊपर क्लास के भी हैं और गरीब हैं अनाज के बिना जिनके यहाँ रात को चूल्हा नहीं जल पा रहा है जी, उनकी भी तो रोजी रोजगार जाती है, गरीबों को तो देंगे तो उनको भी दे। और इस तरह से हम लोग एक समावेशिक कार्यक्रम अनाज के वितरण में हम लोग किया। हम लोग जितने भी लोग हैं अपने पॉकेट से पैसा संग्रहित करके अनाज खरीदे और आज हम लोग इसका वितरण कार्य किए। चलिए, तो इस तरह के कितने कितने दिनों के अंतराल में आप इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं? चचू ये 3 महीने होने को आया, जिला समिति ये कितने बार आप लोगों ने किया ये वितरण का समारोह? पहली बार है या इसके पहले भी? ये एक बार कर चुके हैं जी, ये दूसरा है और फिर हम लोग अपने जिला समिति में इसको तय करके फिर करेंगे एक निश्चित समय निर्धारण। स्टार्टिंग न्यूज से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच है प्रभात कुमार सिन्हा जी, कायस्थ महासंघ के महामंत्री, आप अपना शुभ नाम बताएंगे। मेरा नाम ब्रिजमोहन प्रसाद है। ब्रिजमोहन प्रसाद जी इस वक्त मैं जिला महामंत्री हूँ कायस्थ महासभा के जिला इकाई के, और आज के दिन जो आप देख रहे हैं ये हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। हमारा 1900 उप समिति है पूरे जिला में फैला हुआ। अच्छा, और हर अच्छा। उप समिति अपना स्तर से काम कर रहा है जी, जी। पिछले दिन सिंहपुरी में हुआ, उसके पहले सिंदूर में हुआ जी, उसके बहुत पहले आपका दारू में हुआ, ये सब हो रहा है कंटिन्यूस। जिला स्तर से युवा प्रकोष्ठ की सहायता से आज हम लोग कर रहे हैं और इसको आगे भी करेंगे। हर एक आध महीने के बाद अगर इस तरह से लागू रहेगा तो करना ही पड़ेगा। अभी जादू बाबू चौक पे क्योंकि सरकार जो है सो गरीबों को देख रही है, ऊपर वाले को तो देखती है, जो बीच में है जो छोटे मोटे दुकान में काम करते हैं, छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, जिनकी नौकरी आज 1 साल छूटी 1 महीना छूटा हुआ है, उनको कोशिश कर रहे हैं हम लोग की कुछ भरपाई कर पाए। बहुत खूब, स्टार्टिंग न्यूज से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। आप अखिल भारतीय कायस्थ महासंघ के आप भी एक अध्यक्ष हैं, तो आप किस तरह से ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसे आप किस रूप में देखते हैं, ये कितना मदद कर पाएगा आने वाले समय में कोरोना संकट के काल से जबकि पूरी हजारीबाग की जनता, पूरे देश की जनता जूझ रही है? आने वाले समय में हम लोग यथासंभव जितना भी हो सके
जो किया और आगे करते रहेंगे। स्टार्टिंग से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत और इस सभा से मैं अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले जिनके सौजन्य से आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिला युवा अध्यक्ष हैं हमारे बीच में, आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम शशिकांत सिन्हा है। अच्छा शशिकांत सिन्हा जी, बताइए कि किस तरह से ये संस्था आपका कार्य कर रहा है और आगे क्या कर ये संस्था। सबसे अच्छी बात यह है कि ये संस्था काफ़ी 100 साल से ज़्यादा पुरानी है जी, और इस संस्था में जितने भी लोग हैं वो खुद से तन मन धन तीनों तरह से खुद इस संस्था को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास ना कोई एनजीओज है, ना कोई ट्रस्ट है, ना कोई राजनीतिक पार्टियां का सपोर्ट है जी, ना ही सरकार से कोई चंदा आता है जी, लेकिन फिर भी ये संस्था पिछले 125 साल से हर उस जरूरतमंद आदमी जो हमारे तबके के ही नहीं, जो हमारे जाति बिरादरी के ही नहीं, हर उस अंतिम व्यक्ति जिसके पास किसी भी तरह की सरकारी मदद, राजनीतिक मदद ना ही कोई एनजीओ ट्रस्ट की मदद है, हम उसको हर वक्त यथासंभव सहायता प्रदान करते हैं। इस सहायता में आज हम लोग दूसरी बार ये राशन का वितरण किए और ये भी राशन जो हम लोग दिए एक छोटे परिवार के लिए 1 हफ्ते का राशन है। फिर हम लोग इस कार्यक्रम को फिर से आगे बढ़ाएंगे, पहले भी कर चुके हैं और इसमें हम लोग हर वक्त खड़े रहते हैं, चाहे रात हो या दिन हो, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, हम सब खुद दूसरों की मदद करने के लिए सक्षम है और तत्पर रहते हैं। बहुत खूब, स्टार्टिंग में से बातचीत करने का धन्यवाद। हमारे पीछे क्या और हैं, आप अपना शुभ नाम बताएंगे। मदन मोहन प्रसाद जी, आप हाँ क्या स्थान रखते हैं इसे कैसे थे रोकड़ पाल यहाँ का। अच्छा जी, ये बताइए कि आप लोग खुद चंदा इसके लिए देते हैं या फिर समाज से भी चंदा? हम लोग खुद चंदा देते हैं। आप लोग जो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, अभी कितने सदस्य हैं जैसे महासभा में? महासभा में सदस्य तो करीब 300 यहाँ हैं जी, तो 300 व्यक्ति ही मिलकर इसके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, है ना? हाँ, चंदा करते हैं, जिससे जो बनता है वो लोग सब भेज देते हैं, अपना अकाउंट है, उसके अकाउंट में पैसा जाता है, हम लोग उसके फिर निकालते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम इसी पूरी में भी हम लोग करवाए, ये यहाँ पर भी अभी हुआ और ही आवश्यकता पड़ेगी तो जैसे जैसे आवश्यकता होती है लोग डिसाइड करने वाले समय में हाँ ये जारी रहेगा। निश्चित निश्चित रूप से, जब तक आदमी हम चुके मिडिल क्लास के लोग बहुत दिक्कत में है, बहुत दिक्कत में जी, और उनके पास कोई साधन नहीं, आप खोल के बोल भी नहीं सकते हैं। जहाँ जहाँ हम लोग चिन्हित करते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, तो हम लोग निश्चित से उनको कवर करके ऐसा कार्यक्रम आयोजन करके उनको देंगे और आगे भी देते रहेंगे। स्टार्टिंग से बातचीत करने का धन्यवाद। हमारे पीछे एक और हैं, सर अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम अजय कुमार अम्बष्टा है जी। आप अम्बष्टा जी, इस महासभा में क्या? हम अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। बहुत खूब, और ये बताइए कि ये जो आयोजन जो किया जा रहा है, फिर कितने वक्त बाद फिर इसका पुनः आयोजन होगा? इस तरह का आयोजन अखिल भारतीय कायस्थ महा जिला इकाई के द्वारा, खास करके युवा इकाई के द्वारा ये कार्य बराबर समय समय पर किया जाता रहा है। 15-20 दिन के अंदर अभी कोरोना वायरस के चलते वैसे मध्यम वर्गीय परिवारों को एक सहयोग के रूप में राशन दिया जा रहा है जो डेली वर्कर्स हैं, और महासभा के द्वारा हर समय कार्य किया जा रहा है। अभी एक और जागरूकता लाने के लिए एक महासभा डिसीजन लिया है कि रास्ते पे जाने, रोड पे जा रहे वाले लोगों को मास्क दिया जाएगा और उसको जागरूक किया जाएगा कि हम अभी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित करें और लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो ये विगत दो दिन में फिर एक जागरूकता लाने के लिए रोड पे मास्क, सड़क पे या जगह जगह पर मास्क दिया जाएगा और लोगों को समझाया जाएगा कि अभी स्वच्छ रखने के लिए अपने आप को मास्क जरूर लगावें, जब भी बाहर निकले मास्क के साथ निकले। तो ये जागरूकता अभियान चलाने का प्रयास संडे 2-3 दिन के बाद हर बार करने का प्रयास किया जा रहा है। एक नेक काम है और इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा डी न्यूज से बात करने के लिए शुक्रिया। हमारे बीच एक और सदस्य हैं, आप अपना शुभ नाम बताएंगे। शत्रुघ्न, महासभा के क्या? शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी, आप इस महासभा में क्या है जी? आप इस कायस्थ महासभा में कौन सा स्थान हैं? रामनगर। अच्छा, अभी इसके सदस्य हैं जी। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस वक्त देख रहे हैं? संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? हम लोग विचार किए हुए हैं कि भाई मास्क वाला कल डिस्ट्रीब्यूट करें, मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट करें, मास्क का। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग में बातचीत करेंगे। जिला मंत्री हैं हमारे बीच गौतम किशोर जी हैं, आप इस समिति में कौन सा स्थान रखते हैं? हम आज जिला मंत्री के पोस्ट पे हैं। जिला मंत्री के पोस्ट पे हैं।
तो इस तरह का एक भाई साहब ने बताया कि और भी जगह जगह पर जो है सो स्थापना कर दी गई है, छोटे छोटे प्रकोष्ठ केंद्र बनाए गए हैं, अलग अलग किया जा रहा है। हाँ, हजारीबाग जिले में कुल इस प्रकार के कितने केंद्र समिति बनाई गई है? अभी 19 है, 19 समितियां चल रही है, चल रही है, और सभी जगह इस तरह का अनाज वितरण जो जो एरिया में बटा हुआ है ना, आप समिति वो अपने एरिया में छोटे गरीब लोग को बांट रहे हैं, जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार को बांट रहे हैं, जो प्राइवेट नौकरी करता है, स्कूल में नौकरी करता है, जहाँ की नौकरी पे खतरा आ गया है, बहुत लोगों को सैलरी नहीं मिला है, बिल्कुल वो लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन लोग के लिए हम लोग चाहते हैं कि अपने समाज के द्वारा सभी को मतलब हेल्प करें। जी गौतम जी, आप एक नेक कार्य कर रहे हैं, स्टार डी न्यूज की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले भविष्य के लिए। तो अभी हम थे हजारीबाग के जादू बाबू चौक पर स्थित अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बैनर तले, जहां पर अभी जो गरीब तबके से थोड़े मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के बीच में अनाज के अलावे और भी जो सामग्री हैं, खाने पीने की सामग्री के साथ साथ मास्क और फिर सैनिटाइजर्स वितरण का कार्य जो है सो संपन्न हुआ है। और ये छोटी छोटी इकाइयाँ जो है सो युवा इकाइयाँ जो है छोटे छोटे कस्बे में जो है सो इनका बसा हुआ है और काम कर रहा है, बहुत पुराना है इसकी पृष्ठभूमि है। और इस तरह का यहाँ पर कि ध्यान सरकार का नहीं जा रहा है, खासतौर से गरीब तबके के लोगों पर तो ध्यान जा रहा है, लेकिन मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उस और सरकार का ध्यान नहीं जा पा रहा है। तो इस कायस्थ महासभा के बैनर तले सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से कि उन लोगों के लिए भी सोचा जाए, जिनके जो नौकरी पर अभी नहीं जा पा रहे हैं, जिनको सैलरी रोक दी गई है नहीं मिल पा रही है, और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनकी रोजी रोटी जाती रही है, तो कोरोना वायरस के संक्रमण काल के दौर से वो घर में लॉकडाउन है, पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, वो अपनी जीवनचर्या किस रूप में चलाएं, इसके लिए अखिल भारतीय कायस्थ महासंघ महासभा का ये एक सराहनीय कदम है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के और संस्थाएं भी आगे आकर और गरीब तबके से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए कुछ अवश्य करेंगे। स्टार डी न्यूज मीडिया हजारीबाग से मैं अशोक कुमार। आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर